इंडियन कुकिंग सीक्रेट्स वाई सावित्री में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे, हमने एक कप मैदा ली है। कप या कटोरी जो भी आपके पास हो तो आप उससे एक मेजरमेंट अपना कर लें। तो जितने बनाने हो तो हम इस सस्ते में और कम टाइम में हम बनाएंगे एक नए तरीके के समोसा। तो ये छनी हुई मैदा है, मैंने एक कप एक बाउल या एक कप नाप के ही मैंने इसमें मैदा ली है। तो इसमें हम डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक, और हम डालेंगे इसमें आधी चम्मच अजवाइन, वो भी क्रश करके। तो ये अजवाइन डाल दी, अजवाइन का फ्लेवर बहुत ही इसमें अच्छा आता है। और इसमें हम डालेंगे एक चम्मच तेल। अब हम इनको मिक्स कर लेते हैं। अब इसे हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे इसका घोल बनाएंगे, बैटर बनाएंगे। और थोड़ा थोड़ा पानी इसलिए डालेंगे क्योंकि इसमें लम्स ना पड़े। थोड़ा पानी डाल देंगे और इसका धीरे धीरे हम एक स्मूथ बैटर बना। तो देखिए इसका हमने ही स्मूथ बैटर बना लिया, ना ज़्यादा गाढ़ा और ना ज़्यादा पतला। इसे एक मिनट बस अच्छे से मिक्स करना है और इसके बाद ये बढ़िया तैयार हो जाएगा। तो देखिए एक मिनट होने के बाद ये तैयार हो गया, आपको हम अभी दिखा देते हैं। देखिए हमें इसी तरह चाहिए। बिल्कुल ऐसा है, और आपको हम दिखा दें जैसे ऐसे हम करें। कोई भी मिक्स नहीं होने चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट। तो ऐसा ही बेटर होना चाहिए। इसको हम एक साइड में रखते हैं। अब इसके हम फिलिंग तैयार करते हैं। एक कढ़ाई रखे, इसमें हम डाल देंगे तेल। तो मैंने इसमें दो चम्मच तेल डाल दिया, जिससे हम दाल चावल खाते वही चम्मच इसमें मैंने तेल डाल दिया है। अब इसमें हम डालेंगे सबसे पहले जीरा, इसमें जीरा डाल दिया है। और हम डालेंगे इतनी ही सौंफ, तो ये सौंफ भी डाल दिया है इसमें। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा हींग टेस्ट के लिए, हमारे डाइजेशन के लिए। चम्मच साबुत धनिया, तो इसको डाल दिया हमने। अब हमने लिए हरी मिर्च, 4 से 5 बारीक काट के तो हरी मिर्च को भी डाल दिया है। इधर हमने ये आलू उबाल के उन्हें मैश कर लिया, तो हम इनको भी डाल देंगे। मैं जल्दी जल्दी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरा वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, लॉन्ग ना हो, इसलिए मैं जल्दी जल्दी आपको बोल के दिखा रही हूँ। अब हम इसको करते हैं मिक्स, इसको हमें मिक्स कर देना है। ये मिक्स हो गया है। अब इसमें हम थोड़ा सा डाल देंगे मसाला। तो मसाला में सबसे पहले हम डालेंगे ये धनिया पाउडर, सफ़ेद नमक स्वाद के अनुसार। हम इसमें काला भी डालेंगे इसलिए हमें सफ़ेद नमक कम डालना, जो रेगुलर हम सब्जियों में डालते हैं। और आधी चम्मच ही काला नमक, इसको भी डाल दिया हमने। और हम डालेंगे इसमें भुना जीरा पाउडर। आप तीखा ज़्यादा पसंद कर लेते हो तो आप ज़्यादा मिर्ची डाल लें, मैं इतनी ही मिर्ची डालूँगी इसमें। और इसमें हम डालेंगे एक चम्मच अमचूर पाउडर या चाट मसाला, जो भी आपके पास हो वो आप डाल सकते हैं। मैं इसमें अमचूर पाउडर डाल दूँगी। गैस के फ्लेम को हमें एकदम से धीमा रखना है, थोड़ा सा बिल्कुल गरम मसाला। तो मैंने इसमें गरम मसाला भी डाल दिया। अब हम इसको करेंगे मिक्स। अब देखिए बीच में मैंने जगह करके इसमें तेल डाल दिया है। अब हम ये मटर डाल देंगे। ऐसे ही मटर डालते हैं तो मटर ऊपर चटकती है। इसमें थोड़ा सा नमक डाल के, और हम क्या करेंगे इसे थोड़ा ऐसे करके और मसाला पूरा इसी के ऊपर कर देंगे। इसमें हमें हल्दी नहीं डालेंगे। तो लीजिए मटर हमारी पक भी जाएगी और ऊपर आपके चटके भी नहीं। देखिए ये भी हमारा
मटर भी तैयार हो गई है। बढ़िया सॉफ्ट हो गई और ये हमारे ऊपर आए भी नहीं। इसमें हम डाल देंगे हरा धनिया, जैसे मैंने मटर बाद में डाली, आप चाहें तो आप मटर और मसाले पहले भी डाल सकते हैं जैसे बनाना है। इसमें धनिया भी मिक्स कर दिए है। अब इसको हम ठंडा होने देते हैं। जब तक हमारी फिलिंग्स तैयार हो रही है हम बना लेंगे चटनी। एक तो समोसे बनाए उनके लिए मैंने चटनी, तो मैंने ये लाल मिर्ची आधे घंटे पहले भिगो दी थी और ये अमचूर और मिर्ची तीखी हो तो उसके बीज निकाल लें, मैंने भी करीब करीब इनके बीज निकाल दिए हैं, तो इसे हम पीस लेंगे। और कम तीखी पसंद हो तो आप कम तीखी भी कर सकते हैं, बीज निकाल देंगे तो कम तीखी हुई धनिया पाउडर डाल देंगे इसमें हम, और डालेंगे इसमें स्वाद के अनुसार नमक, भुना जीरा और इसमें हल्की सी टैंगीनेस के लिए हम डालेंगे काला नमक, क्योंकि इसमें खटाई है अमचूर है तो उसमें काला नमक डालने से अलग ही फ्लेवर आता है। तो ये अब हम पीस लेंगे। देखिए ये पीस लिए चटनी, तो इसको अब हम डाल देंगे। देखिए तो हमारी चटनी खट्टी तीखी बढ़िया तैयार हो गई है। पानी 2 गिलास इसमें नींबू डाल दिया है ताकि इसमें जो पानी उबालने के बाद सफ़ेद सफ़ेद हो जाता है ना वाइट वाइट, वैसा नहीं होगा। ये किचन टिप्स है। ये हमने क्लिंग रैप ले लिए तो आप इसे कर दें। ये ऐसे होते हैं जिस भी चीज़ में जिस भी बर्तन में आप लगा देंगे तो एकदम से चिपक जाएगी, तो हमने इसको ले लिया है। इसे हमने चिपका दी क्योंकि हमें स्टीम करना है और इसे हम यहाँ से हटा दें, तो मैंने ये काट भी दी है। लीजिए तो ये तैयार हो गई। एक टूथपिक तो इसमें होल कर देंगे यहाँ वहाँ, देखिए दूर दूर कर देंगे कहीं भी, ताकि इसमें जो भी पानी में उबले पानी तो वो निकलता रहे। तो लीजिए टूथपिक से हमने इसमें होल कर दिए, अभी तैयार हो गई है। तैयार हो गई है, हमने इस पर रख दिए और पानी हमारा गर्म हो गया है और हमारा बैटर भी इधर रेडी है। तो देखिए ये हो गया है, इसमें हम अब डालते हैं बैटर। तो आपको किस साइज के छोटे या बड़े जैसे बनाने हो आप उतना ही इसमें थोड़ा थोड़ा डाल दें। बन गया, ये सेकंडों में बन के तैयार हो जाता है। देखिए सूखने लगा, सूख गया है तो इसको हम थोड़ा सा ऐसे करके नाइफ से उल्टी साइड से हम इसे निकाल लें। देखिए ये तैयार हो गया है, एक सीट तैयार हो गई। इसी तरह मैं दूसरी सीट भी तैयार कर लूँगी। हमारा बैटर सही कैसे हमें पता चलेगा? यदि गाढ़ा होता है तो सीट मोटी हो जाएगी और पतला होगा तो आपकी सीटें टूट जाएगी। इस सिकुड़ने में तैयार हो जाता है, हमें नाइफ की उल्टी साइड से इसे हमें निकालना है। तो देखिए इसको हम निकाल लेते हैं। 2 बन के तैयार हो गए, इसी तरह हम और भी बना लेंगे। तो मैंने बड़ी और छोटी सीट बना के तैयार कर ली हैं। देखिए छोटी भी सीट हैं और बड़ी भी सीट हैं, तो आपको जैसे बनाना हो आप उस हिसाब से बना सकते हैं। तो छोटी सीट है तो छोटे ही बनेंगे इनके। लीजिए बिल्कुल छोटू छोटू भी बनेंगे। इसमें हमें फीलिंग्स रखनी है
जो हमने मसाला तैयार किया है उसे रखना है। देखिए हम बिल्कुल छोटी हैं तो कुछ कम ही रखेंगे, 1 चम्मच, और इसे हम ऐसे और बीच में सेंटर में रख के और ऐसे इसे हम दबा देंगे। इसमें हमें क्या करना है, इधर मैंने जो बैटर था वो रख लिया था, तो उसको हम ऐसे इस साइड से लगा देंगे ताकि ये खुले ना और ये बंद हो जाए। तो देखिए हमें ये पूरा ऊपर से नीचे तक बंद करना है, कहीं भी ये खुला ना रह जाए। तो देखिए इसमें ये लगा दिए, और मसाला हमें कम ही भरना है ताकि हमारे अच्छे से बंद हो जाए, कहीं से खुला ना रहे। ये चटक सकते हैं क्योंकि क्योंकि ये स्टीम के हैं, पर इनसे फीलिंग्स नहीं निकलेगी। जो हमने मसाला भरा है वो सीखने के बाद ये कढ़ाई में वो नहीं निकलेगी। तो देखिए हम इसे इस तरह से बंद कर देंगे। तो लीजिए एक हमारा बन के रेडी हो गया है, तैयार हो गया। इधर हमने गैस पर कढ़ाई भी रख दी और हम इसमें ये डालेंगे समय। इन्हें हमें धीमे धीमे नहीं पकाना है, जो हम डायरेक्ट मैदा के बनाते हैं लगा के तो उनमें वो स्लो आँच में सेकना होता है। ये स्टीम किए हुए हैं तो ये तुरंत ही सेक जाएंगे, इन्हें हमें हाई फ्लेम पर ही सेकना है। तो देख इनको हम अब सेकने का इंतज़ार करेंगे और ये तुरंत ही मिनटों में सेक के तैयार हो जाते हैं। देखिए सेक के तैयार हो गए। लीजिए रेडी, देखिए वे फटाफट समोसे बनके हमारे तैयार हो गए, और ऊपर से कितने क्रंची हैं, अंदर से कितने सॉफ्ट हैं, और अंदर इनमें देखो ऑयल भी नहीं पहुंचा, तेल भी नहीं पहुंचा है। आप सोचें इनमें तेल पहुंच गया है, तो लीजिए आप मीठी चटनी के साथ एंजॉय कीजिए। प्लीज़ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। नए हो मेरे चैनल पर तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, साइड में बेल आइकन उसे भी प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।